आज जिस तरीके से भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, उससे एक लाइन याद आती है, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। वो गोली भी हमारी होगी, वो समय भी हमारा होगा और वो बंदूक भी हमारी होगी। जी हाँ, जिस तरीके से आज रोहित शर्मा ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए पाकिस्तानी बॉलरों को आप ये कह सकते हैं कि पूरी बखिया उधेड़ दी। जिधर भी बॉलिंग करें उधर भी हर शॉट निकले और वो सिक्स रन के लिए। आज की इस मैच में जब टॉस हुआ तो कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कई लोगों ने ये कहा कि इतने बड़े मैच में पहले गेंदबाजी करना, कहीं भारत के लिए ये इनके खिलाफ ना चला जाए। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत से ही पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाती नजर आई, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 50 रन की पहली उनके विकेट की साझेदारी भी नहीं हुई। जिस तरीके से शुरुआत में मोहम्मद सिराज के ऊपर पाकिस्तानी बैट्समैन पूरी तरीके से अटैकिंग मूड में आए, उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने पहला विकेट लिया शफीक का, पूरी टीम उसी में लड़खड़ा गई। एक समय ये लगा जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच में जब साझेदारी होती, यानी कि 25 ओवर में 124 रन के समथिंग था और मात्र दो विकेट, उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने बाबर आजम को बोल्ड मारा, पूरी की पूरी टीम मानो जैसे बिखर गई हो। बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, सबसे ज़्यादा रन उनके कप्तान ने बनाया, यानी कि 51 रनों की पारी खेली बाबर आजम ने, और वहीं मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। थोड़े बहुत फॉर्म में देखे उनके ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक, जिन्होंने 36 रनों का योगदान दिया। लेकिन आप सोच सकते हैं इतना बड़े मुकाबले में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम 191 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, ये अपने आप में पाकिस्तान टीम को सोचना चाहिए। वो पाकिस्तान टीम जो कि वर्ल्ड चैंपियन की प्रबल दावेदार थी। पाकिस्तान की टीम इंडिया आने से पहले लोग यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की बॉलिंग, पाकिस्तान की बैटिंग, उनका क्षेत्ररक्षण, वो तीनों मामले में बहुत बेहतरीन है। और कहीं ना कहीं आज का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी कांटेदार होगा, यानी काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिर जिस तरीके से आता है रोहित शर्मा का तूफान, रोहित शर्मा का वो तूफान जिससे पाकिस्तान का हर एक गेंदबाज खौफ खाता नजर आता है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने अपने 86 रनों की पारी में 6 छक्के और 6 चौके मारे। वहीं उन्होंने अपने नाम एक खासा रिकॉर्ड दर्ज किया, यानी कि 300 छक्का पूरा करने वाले वो भारत के पहले बल्लेबाज बन गए और विश्व के तीसरे। अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर पाकिस्तान के शहीद आफरीदी हैं, जिन्होंने 351 सिक्स लगाए हैं। दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 331 सिक्स लगाए हैं। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा हैं, यानी कि भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा 306 लगाए आज उन्होंने भी। वहीं अगर ओवरऑल देखा जाए, उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम और किया इस मैच में, यानी कि एक वनडे वर्ल्ड कप की पारी में 5 बार यानी कि 5 सिक्स लगाने का रिकॉर्ड 3 बार रोहित शर्मा कर चुके हैं, 3 बार एबी डिविलियर्स और 3 बार क्रिस गेल। यानी कि ये रिकॉर्ड भी आने वाले समय में रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, चाहे क्रिस गेल की बात की जाए चाहे एबी डिविलियर्स की बात की जाए, दोनों ने संन्यास ले लिया, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से ये मुकाबला होता है वाकई में बहुत दिलचस्प था, और भारत ने 8वीं बार रिकॉर्ड पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। आप साफ तौर से ये कह सकते हैं भारत पाकिस्तान का पहला मुकाबला जब 1992 में होता है और आज 2023 है, इस इतने दिनों में कभी भी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को मात नहीं दे पाई है। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए, तमाम रिकॉर्ड को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।